हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12, और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की रफ फिगर बना देंगे और तीन पॉइंट्स को ए बी सी मार्क कर देंगे, देन बी के ऊपर 90 डिग्री मार्क कर देंगे। अब देखो, हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 गिवन थी, तो थीटा या तो ए वाले एंगल पे बना सकते हो या सी वाले एंगल पे बना सकते हो। हम इस ए वाले एंगल को क्या मार्क कर देंगे? थीटा। अगर आप सी वाले एंगल को भी थीटा मार्क कर रहे हो तब भी आंसर आपका सेम ही रहेगा, बट अभी हम ए वाले एंगल को थीटा मार्क करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इस थीटा एंगल के सामने जो साइड आ रही है बीसी, वो हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। इसके साथ जो ए बी आ रही है वो बेस बन जाएगी, एंड 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस रहेगी। सो हमें क्वेश्चन में सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 गिवन थी, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस की वैल्यू हमारे पास 13/12 थी। तो हाइपोटेनस की जगह हम ए सी पुट कर देंगे और बेस की जगह ए बी पुट कर देंगे। दैट मीन्स ए सी को 13k मार्क कर देंगे एंड ए बी को 12k मार्क कर देंगे। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की जगह 13k पुट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर, AB की जगह 12k पुट कर देंगे उसका होल स्क्वायर, एंड देन प्लस BC स्क्वायर रहेगा। 13k का स्क्वायर क्या होता था? 169k स्क्वायर। 12k का स्क्वायर क्या होगा? 144k स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो, जो 144k स्क्वायर था, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, दैट इज आंसर क्या आ रहा है? 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? 25k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये जो BC का स्क्वायर था, लेफ्ट साइड पे आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर का क्या आंसर आएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k आता है। तो आंसर क्या आ रहा है? 5k इज इक्वल टू BC। अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, और ये जो एंगल थीटा है इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है? 5k, और इसका बेस 12k, और हाइपोटेनस क्या आएगा? 13k। अब हम एक एक करके बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आ रही है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री। देन फाइनली हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। वी होप आपको हमारा मेथड अच्छा लगा। सो सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।